चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते बड़ी खबर का। आपको बता दें जयपुर से जानकारी मिल रही है, जेडीए की प्रस्तावित हेरिटेज सिटी को लेकर ये बड़ी खबर। योजना में भूमि का पट्टा जेडीए नए प्रारूप में जारी करेगा। पट्टे के लिए आवेदन और फाइल कवर का नया प्रारूप होगा। तीनों प्रारूप मंत्री शांति धारीवाल करेंगे आज जारी। आपको बता दें दोपहर 2:30 बजे अपने सरकारी आवास पर करेंगे जारी। आगरा रोड इलाके पर प्रस्तावित की गई है ये योजना। योजना को लागू करने के लिए जारी की है अधिसूचना। आपको बता दें कि जेडीए जारी कर चुका है अधिसूचना। 8.25 वर्ग किलोमीटर में प्रस्तावित है ये योजना। तो देखिए बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से, जहां जेडीए की प्रस्तावित हेरिटेज सिटी को लेकर ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। योजना में भूमि का पट्टा जेडीए नए प्रारूप में जारी करेगा। पट्टे के लिए आवेदन और फाइल कवर का नया प्रारूप होगा। तीनों प्रारूप मंत्री शांति धारीवाल आज जारी करेंगे। दोपहर 2:30 बजे अपने सरकारी आवास पर जारी करेंगे। अजमेर के जगन्नाथ मंदिर पुजारी गोविंद नारायण शर्मा के आत्मदाह के बाद ब्राह्मण समाज और अग्रवाल समाज के बीच लिखित समझौता के बाद फिलहाल बवाल खत्म हो गया है। आपसी सहमति के बाद ब्राह्मण समाज ने शव उठाया। थोड़ी देर में पुजारी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जेएलएन अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई। अग्रवाल समाज ने परिवार को आर्थिक सहायता और मंदिर में पूजा अर्चना कर दिया हक। परिवार और समाज सरकार और प्रशासन से मिले आश्वासन के बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ है। आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज और अग्रवाल समाज के बीच आपसी सहमति बनी। कोतवाली थाने में मृतक के पोते भरत शर्मा ने लिखित समझौता पुलिस और दोनों समाज के सामने कर लिया है। तो वहीं इस पूरे मामले में अन्य मांगों को लेकर सरकार से मांग जारी रहेगी, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही मुआवजे की मांग भी बरकरार रहेगी। यहां पर अग्रवाल पंचायत के द्वारा ये लिखित आश्वासन दिया जा रहा है कि भरत शर्मा को यहां पर जब तक वो पाठ पूजा करेंगे मर्यादित रूप में तब तक उनको रखा जाएगा। सहमति बनने के बाद निश्चित तौर से शव को ऐसे हो ले। जो भी प्रकरण हुआ गलत था, परंतु जो गणमान्य व्यक्ति है अग्रवाल समाज के और ब्राह्मण समाज के, सबने बैठकर सहनशीलता का परिचय दिया, एकता का परिचय दिया और विवेक रखते हुए आज यहाँ पर राजीनामा कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, उनकी कुछ मांगे थी, कुछ अग्रवाल समाज की मांगे थी, दोनों ने बैठकर आपसी राजीनामा कर लिया इस चीज को। और इसी बीच अशोक भाटी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या जानकारी मिल रही है आपको? बताया जा रहा है कि सहमति